वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके एंड चिल्ड्रन, टुडे जो है हम जो है आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। ऑल राइट, तो पहला चैप्टर जो है वो है आपका, चैप्टर का जो नेम है इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ऑल राइट चिल्ड्रन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, हम इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे चार्जेस और उनके इफेक्ट्स के बारे में। ओके, जैसे फील्ड, फील्ड भी चार्ज का क्या है? एक इफेक्ट। ऑल राइट, तो सबसे बेसिक हम लेकर चलते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल राइट। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है दो तरह की, फर्स्ट जिसमें चार्जेस क्या हो, फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस कैसे हो, एट रेस्ट। तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर? और सेकेंड इज इन विच चार्जेस आर इन मोशन, जिसमें चार्जेस क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस फर्स्ट चैप्टर में जो हम बात करेंगे मेनली, वो बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मींस हम ये मान के चलेंगे कि चार्जेस क्या है, रेस्ट पे। ऑल राइट, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इधर दे रिपेल ईच अदर और दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो इनको हम बोलते हैं चार्जेस। अब बात आती है चार्जेस कितने तरह के होते हैं। चार्जेस बेसिकली टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के? फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के जो चार्ज है वो है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। नाउ द चार्ज पजेस्ड बाय अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। क्लियर और नॉट? तो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो इन दोनों के द्वारा रखा जाता है, जो उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये चार्ज नेगेटिव होगा। ऑल राइट, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है क्या, जो ऑब्जर्व की गई है ये प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होंगे मींस सेम नेचर के चार्जेस होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज हैं वो? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज वॉट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्जेस। नाउ एडिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर आपको पता है कि टोटल इतने इतने चार्जेस लोकेटेड हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी पर चार्जेस है वो क्या है, Q1 इस पॉइंट पर कितना है, Q2 इस पॉइंट पे कितना है, -Q3, बिकॉज चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली इसमें क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी व्हाट, इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। क्लियर और नॉट? इन सभी चार्जों का क्या ले लेंगे हम, एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस या माइनस, यहाँ आएगा विथ माइनस, विथ साइन वी विल कैलकुलेट, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। ऑलराइट, इस तरीके से हम इस पर क्या निकाल सकते हैं, नेट चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द गिवन चार्जेस ऑन द बॉडी। क्लियर और नॉट? दिस इज व्हाट वी कॉल एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। क्लियर? नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस इज व्हाट, दैट चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लाइक यू हैव स्टडीड क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। ऑलराइट, हम कहते हैं क्या, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर और नॉट? सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस विद द चार्जेस ऑल्सो, कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे गामा फोटोन, व्हेन गामा फोटोन जो है वो किस में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, देखिए आप, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, तो ये क्या हुआ, बिफोर रिएक्शन जो चार्ज है वो कितना है, 0, और आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज कितना है, +1 और -1, 0। क्लियर है कि नहीं? तो चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मीन्स दैट द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स द टोटल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी विल ऑलवेज बी एन टाइम्स, एन टाइम्स मीन्स इंटीजर टाइम्स ऑफ व्हाट, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो चार्ज कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता, 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। हमेशा चार्ज कैसा होगा, इसका इंटीजर मल्टीपल होगा। और हम यहाँ पर कई बार ये भी लगा देते हैं, प्लस माइनस मीन्स एन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0, 1, 2, 3 एंड सो। बात समझ में, या तो चार्ज होगा ही नहीं, या होगा तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, या प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम जो है इसको लेते हैं। मीन्स चार्ज कभी भी कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/3, हमेशा कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दैट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं ये बात? तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये हम बिल्कुल बेसिक सी बातें कर रहे हैं जिससे हम चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है हाउ डू वी चार्ज द इलेक्ट चार्ज द बॉडी और द और हाउ द बॉडीज आर इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर है? कैसे बॉडीज पर जो है चार्ज किया जाता है उसको हम समझेंगे। देर आर थ्री वेज ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। बात समझ में आ रही है? देर आर थ्री वेज, क्या क्या है? द फर्स्ट वे इज, द फर्स्ट वे इज बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट वे इज बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग द बॉडीज टुगेदर। क्लियर?
सेकेंड वन इज सेकेंड द सेकेंड वे ऑफ चार्जिंग द बॉडी इज द कंडक्शन, कंडक्शन. एंड द थर्ड वे ऑफ चार्जिंग द बॉडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडक्शन. सो हाउ मेनी वेज आर देयर? फर्स्ट इज फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे समझेंगे फ्रिक्शन का मतलब क्या है. जब भी हम किन्हीं दो बॉडीज को रब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने पाम्स को रब करें, तो उसमें क्या होती है? हीट डेवलप होती है. अभी सर्दी का मौसम है, कई बार आपने देखा होगा लोगों को ऐसे करते हुए, तो क्या मिलती है उससे? हीट मिलती है. जब हम रब करते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक हीट डेवलप होती है. वो हीट एक बॉडी, जब हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, तो वो हीट एक बॉडीज के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं और दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. तो जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो बॉडी कैसी हो जाती है, वहां पर क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मींस वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज्ड. बात समझ में आई कि नहीं? और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज. बात समझ में आई कि नहीं? तो हो गई दोनों बॉडीज चार्ज. क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट वे इज दिस, फ्रिक्शन. क्लियर? नाउ सेकंड वन इज व्हाट? कंडक्शन. कंडक्शन इज व्हाट? अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में रखते, तो चार्ज क्या हो जाता है? उस बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है. क्लियर है कि नहीं? तो सेकंड जो पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, कंडक्शन के थ्रू. क्लियर है कि नहीं? नाउ द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस दोनों केसेस हैं, इंडक्शन एंड कंडक्शन, इनमें बॉडीज को एक दूसरे को टच करना इंपॉर्टेंट था, मींस जरूरी था. क्लियर है कि नहीं? ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अगर टच नहीं करेंगी तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं सकता, और बॉडीज भी क्या नहीं हो पाएंगी? चार्ज नहीं हो पाएंगी. व्हाट अबाउट इंडक्शन? इंडक्शन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इंडक्शन में बिना बॉडीज एक दूसरे को टच करे क्या कर सकती है? चार्ज कर सकती. बात समझ में आई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं एक ग्लास रोड लेता हूं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि हमारे पास ये एक मेटेलिक स्फेयर है, ये मेटेलिक स्फेयर है जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है. क्लियर है कि नहीं? इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और हमें इसको चार्ज करना है. कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज करना है. क्लियर है कि नहीं है? तो यूनिफॉर्मली मान लेते हैं कि हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है. पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर डालना है और वो यूनिफॉर्म हमें क्या करना है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है पॉजिटिव चार्ज. तो कैसे डालें भाई पॉजिटिव चार्ज? अब आप देखो कि मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेकर जाता हूँ. क्लियर है कि नहीं? नेगेटिवली चार्ज रॉड में इस पर लेकर गया, इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, माइनस. क्लियर है कि नहीं? जब ये नेगेटिव चार्ज रॉड इसके पास जाएगी तो आप जानते हैं कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. होते हैं कि नहीं होते? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये हमारा कंडक्टिंग स्फेयर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ पर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो वो सारा नेगेटिव चार्ज किस साइड पे चला जाएगा? रेयर साइड ऑफ द स्फेयर. क्लियर है? उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर आ जाएगा? फ्रंट साइड. क्लियर है कि नहीं? टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज रॉड. क्लियर है कि नहीं? इस साइड पर आ जाएगा. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि चार्जेस को सेपरेट कर दिया. क्लियर है कि नहीं? अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हमें कैसा चार्ज चाहिए इस पे? हमें चाहिए पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है कि नहीं? तो यहां से हम इसको क्या कर देते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं. बात समझ में आई कि नहीं? इसको एक वायर से अर्थ कर दिया जाता है जिससे कि ये सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए. बात समझ में आई कि नहीं आई? पर इस केस में ये रॉड इसके बिल्कुल पास में ही होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि ये चार्ज भी अर्थिंग के थ्रू नीचे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चार्ज क्या काम कर रहा है? ये चार्ज इसको होल्ड करने का काम कर रहा है. बात समझ में आई कि नहीं? तो रोड अभी हमने नहीं हटाई है. क्लियर? अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? थर्ड केस में अब क्या हो जाएगा कि ये
किस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं। अब ये अर्थिंग भी हमें क्या कर देनी है, हटा देनी है, या वायर जो है इसको भी हमें हटा देना है, क्लियर है कि नहीं। अब जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस रॉड को भी हटा दोगे, और जब ये रॉड हटेगी इट मीन्स ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अट्रैक्शन जैसे ही खत्म होगा, ये पूरा चार्ज अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपने देखा क्या, इसमें कहीं भी इस रॉड को इस ऑब्जेक्ट से टच करने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज द ओनली प्रोसेस इन विच वी डोंट रिक्वायर एनी सच अरेंजमेंट जिसमें कि एक दूसरे को बॉडीज क्या कर रही हो, टच कर रही हो। बात समझ में आई होगी, आई होप क्लियर है। तो ये हो गए थ्री प्रोसेसेस बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी। तो चार्जेस की हमने अभी तक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने देख ली, चार्जेस के किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके हमने देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। हमने अभी बात की थी कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करना या रिपेल करना मींस दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर फोर्स लगाएंगे तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे और रिपेल भी कर पाएंगे, क्लियर है कि नहीं। तो वो फोर्स कितना होता है, तो उस फोर्स को उस फोर्स का वैल्यू दिया किसने, कूलम नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इसीलिए इस लॉ का नाम जो है वो उनके नाम पर रखा गया है, दैट इज कूलम्स लॉ, क्लियर है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बेसिकली दे आर द पॉइंट चार्जेस, क्लियर है कि नहीं। इफ देर आर टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, दे आर केप्ट इन द वैक्यूम। आई एम टेकिंग हियर व्हाट द वैक्यूम, मैं ये सब मान रहा हूँ कि ये चार्जेस किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो कूलम कहता है कि द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 Q2, एंड इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, क्लियर है कि नहीं। तो दीज टू स्टेटमेंट्स वर गिवन बाय हिम, ओके। और इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे तो एक सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिख देते हैं के। ऑल राइट, कैपिटल के से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, इसी के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका पूरा वैल्यू होता है 9 × 10⁻¹। क्लियर है। इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं कैसे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल के। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है भाई कूलम का नियम। अच्छा, ये जो फोर्स है कि इस चार्ज पर भी सेम लगेगा, जितना इस चार्ज पर लगेगा उतना ही इस चार्ज पे भी लगेगा। तो ये किस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन विच जॉइंस द टू चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा उस लाइन पे होगी जो दोनों चार्जेस को जोड़ रही हो, क्लियर है कि नहीं। जैसे बात करें कि अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, और मैं मान रहा हूँ जब तक स्पेशली ना बोला जाए, ये मेंशन ना हो, तब तक हम मान के चलेंगे जितने भी चार्जेस हम ले रहे हैं इस चैप्टर में वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है कि नहीं। तो ये चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्लियर है। अगर यहाँ ओरिजिन मान ले और ये डिस्टेंस आर है तो ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, अगर मैं यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में डिफाइन करूँ तो ये क्या हो गया, आर कैप। इज द डायरेक्शन ऑफ वॉट,
द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2, क्लियर है कि नहीं है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन टू मीन्स फोर्स ऑन द चार्ज टू क्यू टू वन इज इक्वल टू वॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर कैप, इज इट क्लियर? और सिमिलरली अगर हम लिखेंगे इस चार्ज पर तो यहां पर क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर। नाउ दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस कूलम्स लॉ। तो ये क्या हो गया बेटा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस विल रिमेन सेम, ऑल राइट, एंड द डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। नाउ दिस टाइम दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर आर कैप, ऑल राइट, सो इट विल बी माइनस आर कैप, क्लियर और नॉट? नाउ इफ यू सी दीज टू, बाय दीज टू इक्वेशन, इफ आई गिव इट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, देन इट इट कैन बी रिटन दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस F21 वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? मींस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, क्लियर और नॉट? क्लियर, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो कूलम्ब फोर्स है वो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना क्लियर है? ये हमने बात की कि एक पर्टिकुलर चार्ज द्वारा दूसरे पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर है? अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो फिर क्या होगा, इफ देर आर मल्टीपल चार्जेस देन हाउ टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सॉरी नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स द चार्ज, ऑल राइट, नेट फोर्स ऑन द चार्ज बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल चार्जेस, क्लियर और नॉट? तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए जो टॉपिक है वो हो जाता है फोर्सेस फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज वी हैव अ नंबर ऑफ चार्जेस ओवर हियर, ऑल राइट, इन द स्पेस वी हैव द नंबर ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोज चार्ज Q1, इट्स पोजिशन वैक्टर इज R1 वेक्टर, सिमिलरली R2 वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द नेक्स्ट चार्ज Q2, एंड R3 वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ व्हाट, द चार्ज Q3, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? सिमिलरली सपोज करें कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस, क्लियर, n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, सो इट विल बी Qn एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर एन वेक्टर, क्लियर और नॉट? नाउ चिल्ड्रन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, आर एम इज वॉट, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। इन सब चार्जों की वजह से हमें क्या निकालना है, चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। सो फॉर दिस हम जानते हैं कि इंडिविजुअल चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कूलम्स लॉ, बट पूरा सिस्टम कितना फोर्स लगाएगा ये हमें देखना है, और ये कैसे लिखेंगे ये देखना। फॉर दिस वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, क्लियर? ये प्रिंसिपल हम कब किसमें यूज लेंगे, इस चीज को फाइंड आउट करने में। तो व्हाट डू वी कॉल इट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, दिस प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू यूटिलाइज हियर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस प्रिंसिपल को समझिए, ये क्या कहता है कि जब आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली,
दिस इज द लॉ, एफ नेट ऑन द चार्ज क्यू वन विल बी इक्वल टू वॉट द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द अदर चार्जेस इंडिविजुअली ऑन द फर्स्ट चार्ज. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन सब ये जो जितने भी चार्जेस हैं वो अलग अलग इस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं उन सबको कैलकुलेट करो एंड देन यू हैव टू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल सच फोर्सेस. या उल्टा लिख देते हैं, बट नोटेशन कैन बी टेकन इन दी. ऑल राइट, नाउ आई एम डिफाइनिंग इट एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू द थर्ड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, फोर्थ चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज. लाइकवाइज, क्लियर और नॉट? ऐसे हमने डिफाइन किया. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ईच एंड एवरी फोर्स एंड देन टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? The net force on the charge Q1 will be equal to the vector sum of the forces, or I must say, will be equal to the vector sum of the individual forces exerted by each and every charge in the system on the first charge. Assuming that there is no effect on individual force because of the presence of the other charge. Means, दूसरे जो चार्ज प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस का उस पर्टिकुलर फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अब हम देख लेते हैं कि ये कितना फोर्स उस पर लगा रहा है. देखिए, एफ टू वन कितना होगा भाई? एफ टू वन मीन्स फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज. नाउ आई एम टेकिंग ऑल द चार्जेस पॉजिटिव वन. ऑलराइट, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस मैं क्या लिख देता हूँ? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ आर टू वन. क्लियर है कि नहीं है? आर टू वन इन दोनों के बीच का क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में. तो मैं उसको उसका जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या ले लेता हूँ? आर टू वन कैप. ऑलराइट, और सिमिलरली मैं हर चार्ज के लिए डिफाइन करूँ. ऑलराइट, देन आई विल राइट क्या इसकी वजह से कितना फोर्स? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन स्क्वायर इंटू व्हाट? आर टू वन कैप. सिमिलरली आई कैन राइट के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर थ्री वन स्क्वायर इंटू आर थ्री वन कैप. And similarly, I can write n number of terms likewise. K Q1 Qn upon R n1 square. And here it will come R n1 cap. Clear है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? And then we can write it in a short way. Okay? Because as it is the sum of the terms, so we can write it like this. You can see that KQ1, KQ1, KQ1 is similar, is same in each term. So, हम इसको क्या लिख सकते हैं? KQ1 को हम बाहर ले सकते हैं और बाकी जो terms बची, क्या उनको मैं summation की form में लिख दूं? All right. तो term क्या बची? Q2 upon R21 square, R21 cap. इधर क्या बची? Q3 upon R31 square, R31 cap. Similarly, हम आगे की terms को भी ले सकते हैं. तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? K Q I upon R I 1 into R I 1 cap. Now see, all the terms are mentioned here, where I is equal to 2 to N. अब देखो आप, क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स. पर हमने कैसे निकाला नेट फोर्स? हमने नेट फोर्स निकाला किसका यूज करके? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके. क्लियर है कि नहीं है बच्चों? कोई डाउट? ऑल राइट,
नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वॉट? द फील्ड क्रिएटेड बाय एनी चार्ज अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड वॉट? द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज. तो इस स्पेस में जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज दिस इज वॉट इन ग्रेविटेशन ऑल्सो यू स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर और नॉट? सिमिलरली हियर द फील्ड इज क्रिएटेड बाय द चार्जेस, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट वॉट? द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर और नॉट? अब हम एक बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे दी जाती है. सपोज आई एम टेकिंग अ चार्ज ओवर हियर, कैपिटल क्यू, एंड दिस इज वॉट वी कॉल इट द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज मीन्स वॉट? मीन्स विच इज क्रिएटिंग द फील्ड. ऑल राइट, नाउ दिस इज द सोर्स चार्ज ओवर हियर, कैपिटल क्यू, एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सपोज हियर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. ऑल राइट, देन हाउ टू डिफाइन इट? एक चार्ज यहाँ पे हम लाते हैं, वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज ओवर हियर, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज. इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज. दिस इज द सोर्स चार्ज एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, सपोज द डिस्टेंस इज वॉट? आर. हमें क्या पता करना है? हमें निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है इसकी वजह से इस आर डिस्टेंस पर स्पेस में इस पॉइंट पर. क्लियर है कि नहीं है? तो इस स्पेस में, स्पेस में इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, तो वो हम देख लेते हैं. दैट विल बी द व्हाट? दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ऑल राइट, तो अभी हम देखेंगे उसका फॉर्मूला भी आपने देखा हुआ होगा, वो भी हम डिराइव करेंगे. तो पहले हम ये देखें कि इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे डिफाइन करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन पॉइंट इन द स्पेस ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज व्हेन केप्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से स्पेस में इस पॉइंट पर, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज केप्ट ओवर हियर. ऑलराइट, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स में, इसका डिवाइड कर दो जो चार्ज आपने वहां पे रखा है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो फिर से समझो, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड है, तो हमें पता करना है इस फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो आर डिस्टेंस पर है स्पेस में, वहां कितना फील्ड होगा. तो उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन केप्ट एट दैट पॉइंट इन द स्पेस. क्लियर है कि नहीं है? जब यहाँ पर हम किसी चार्ज को लाकर रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी वजह से कुछ फोर्स उस पर लगेगा, और उस फोर्स को हम यहाँ मेंशन करेंगे, और जो चार्ज हम लाए हैं उसको यहाँ मेंशन करेंगे. क्लियर है कि नहीं? तो ये बनती है हमारी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है कि नहीं? अब इसी डेफिनेशन से हम क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन द स्पेस. क्लियर है? तो वो निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स चार्ज है, अभी भी ये ओरिजिन पे रखा है, और ओरिजिन से ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हम क्या करें? हम टेस्ट चार्ज क्यू को कहां पर लाकर रख दें? यहां पर. क्लियर है? तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज विल बी कूलम्ब्स लॉ, के क्यू क्यू अपॉन द डिस्टेंस इज आर, सो इट विल बी आर स्क्वायर. Now, what will be the direction of force? The force direction will be away from the origin. Clear है? Along this line. So, it will be R cap. बात समझ में आई कि नहीं आई?
एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, सिंपल वी हैव रिटन द कूलम्स लॉ ओवर हियर, नथिंग एल्स. ऑलराइट, नाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन, दैट लोकेशन इज गिवन व्हाट, गिवन बाय ई आर वेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन आर वेक्टर. यहां हम लिख देते हैं पॉइंट पी पर. क्लियर है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर वेक्टर पोजिशन में, क्लियर और नॉट? सो इट विल बी व्हाट, एफ वेक्टर बाय क्यू. नाउ डिवाइड दिस होल एक्सप्रेशन बाय क्यू एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप. मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड दिस एक्सप्रेशन यू नो वेरी वेल, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय दिस. This is the formula, KQ by R square. You might have used this formula several times. Yes or no? All right. So this is how we get the formula. All right, children. So ये हमारा हो गया किसी point charge की वजह से electric field. अब हम बात करते हैं, जब हमें ये formula मिला है, आप एक चीज इसमें notice करिए. आप एक चीज notice करिए. क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है? के इज अ कांस्टेंट, क्यू इज अ कांस्टेंट, बट आर इज नॉट अ कांस्टेंट. ओके, यू कैन इंक्रीज द डिस्टेंस, यू कैन डिक्रीज द डिस्टेंस. ओके, सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर. क्लियर और नॉट? ऑल राइट. नाउ अब जैसे जैसे आर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करे. ऑल राइट, इट मीन्स जो सोर्स चार्ज है उससे अगर हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. ऑल राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. और अगर हम उसके पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. क्लियर और नॉट? अब कुछ बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं. जैसे कि हमने कहा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अभी हमने देखा क्यू चार्ज लिया था इस तरीके से, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था? ये अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यही आया था. अच्छा, दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज और देखो कि इस फॉर्मूला में कहीं भी स्मॉल क्यू नहीं आ रहा है. स्मॉल क्यू क्या था? हमारा टेस्ट चार्ज. इट मीन्स ये उस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता जिसको हम लाके रख रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड. क्लियर है कि नहीं? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज की वैल्यू पर. क्लियर है कि नहीं? तो सोर्स चार्ज विल डिसाइड हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज नॉट द टेस्ट चार्ज विच विल डिसाइड हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. क्लियर और नॉट? अब आप ये देखें कि जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव, जो डेफिनेशन में जो चार्ज दिया था टेस्ट चार्ज, वो भी कैसा था? पॉजिटिव. तो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से होगा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस तरीके से होगा. क्लियर है कि नहीं? इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. अच्छा, एक चीज बताओ, क्या इस तरीके से पॉइंट चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? क्योंकि ये अलोंग द लाइन होता है. क्लियर है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव अगर चार्ज है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ इट इज नॉट ओनली टू डायमेंशनल, इट इज थ्री डायमेंशन. ऑल राइट, जस्ट लाइक अ बल्ब व्हेन इट ग्लोज अप, ओके, तो जो लाइट है वो सब डायरेक्शन में फैलती, उसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा. अब हम इट मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. क्लियर है कि नहीं? नाउ वॉट आर दीज? आई हैव ड्रोन सेवरल लाइन्स and you can draw as many lines you want to draw. Okay, for example, one can draw like these also, these lines also, it doesn't matter. Now these lines are what? What are these lines? These lines are called electric field lines. Clear hai ki nahi hai? Now electric field lines ko hum kaise define kar sakte hain? Electric field lines are the lines which shows up or which represents the electric field because of a certain charge distribution.
बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन हम यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। क्लियर है बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। अगर चार्ज नेगेटिव होता, इधर देखें आप, अगर चार्ज ये नेगेटिव होता, अगर ये जो क्यू सोर्स चार्ज लिया है हमने, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या अभी भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे ही होता? बस उसकी डायरेक्शन क्या होती? अपोजिट, मीन्स टूवर्ड्स द चार्ज। तो फिर इसके लिए कैसे बनता? क्या इसके लिए फील्ड लाइंस ऐसे बनती? देखो आप, क्या इसके लिए फील्ड लाइंस ऐसे बनती? तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और इन्फिनिटी पर क्या करती है? एंड होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगी और इन्फिनिटी पे एंड होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली अगर चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से होगी? उसके लिए स्टार्ट होगी इन्फिनिटी से और एंड कहाँ पर होगी? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल द नेगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सिंक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो हम कर रहे हैं। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हम इसके बाद कुछ एक दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए और ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा मैं यही बता देता हूँ आपको। अगर मैं एक डाइपोल लूँ, मीन्स अगर दो चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो उनके लिए किस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे? ये देखें आप, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? अब देखें, इसकी वजह से अगर ये नहीं होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती? जैसे अभी मैंने ड्रॉ की थी, रेडियली आउटवर्ड। इसके लिए कैसी होती? रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर है कि नहीं? जो इनफाइनाइट से स्टार्ट होती इस पे एंड करती, जो इससे स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे जाती। लेकिन अब दोनों क्या है? पास पास। तो इसकी विसिनिटी में ये रखा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे करेंगी स्टार्ट? देखो, यहाँ से ये निकलेंगी और कहाँ पर जाएंगी? नेगेटिव चार्ज पर। ये कुछ ऐसे जाती, बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस चार्ज ये लाइन कैसे कर जाएगी? ये लाइन बेंड कर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? स्टिल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। ऑल राइट, दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट बी चेंज्ड। ये ऐसे ही जाएंगी, बट अब जो लाइन्स ड्रॉ होंगी वो इस तरीके से होंगी। क्लियर है? जो बाकी सब लाइन थे वो भी कैसी हो जाएंगी? थोड़ी थोड़ी बेंड कर जाएंगी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। ऑल राइट, इसका कैसे आएगा? आई होप इट इज क्लियर। तो एक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, अब आप बताएं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अब जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को कैसी करेंगी? रिपेल करते हुए शो करेंगी। तो अब क्या होगा? ये फील्ड लाइन ऐसे जाती तो अब कैसे जाएगी? ऐसे। ये फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ऐसे। तो रिपल्शन की वजह से ये जो फील्ड लाइन है वो क्या कर जाएंगी? इससे दूर हट जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही इसकी वजह से भी होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? अब आप एक चीज समझें, जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उनसे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि फील्ड लाइंस, एक प्रॉपर्टी तो मैंने ये बताई है आपको कि फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड अप एट द नेगेटिव चार्ज इफ दे आर प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर। बात समझ में आई कि नहीं? इफ देयर इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज तो फिर दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड अप एट द इंफिनिटी। सिमिलर
सिमिलरली वी कैन गिव द स्टेटमेंट फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द इंफिनिटी एंड एंड अप एट द नेगेटिव चार्ज. क्लियर और नॉट? दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉट? इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट अलोंग एनी फील्ड लाइन देन इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द स्पेस. क्लियर है कि नहीं है? ये जैसे अगर मैंने ये पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, वो क्या देगा? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. क्लियर है कि नहीं? नाउ द सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं. बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो दो टेंजेंट का मतलब क्या है कि एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग टू डिफरेंट डायरेक्शन. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज अ वेक्टर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम विल हैव ओनली वन डायरेक्शन. क्लियर है कि नहीं है? इसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर है? एनी डाउट? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखें इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर मैं इसको प्रॉपरली और ड्रॉ करूं, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया लूं, आप ऐसे समझे कि मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया लेता हूँ, जो इस तरह इतना एरिया मैंने लिया, और यही एरिया मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ, उतना ही एरिया है पर डिफरेंट प्लेसेस पर है. अब आप ध्यान से समझे इसको, क्या जब ये यहाँ पर है तो इससे कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है फिलहाल के लिए, जितनी हमने ड्रॉ की है. वी कैन ड्रॉ मैनी फील्ड लाइन, ओके, बट फिलहाल के लिए मैंने इस पे तीन फील्ड लाइंस जो ड्रॉ की है वो तीनों पास आउट हो रही है, ठीक है. बट यहाँ पर देखें, हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया? वन. ऑलराइट, तो क्या इसे क्या कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ग्रेटर एट दिस पॉइंट और एट दिस प्लेस एज कम्पेयर टू दिस प्लेस. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर हियर एज कम्पेयर टू दिस प्लेस. तो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस एट ए पर्टिकुलर लोकेशन. बात समझ में आई कि नहीं है? किससे डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? वी डिसाइड द स्ट्रेंथ बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन. तो आप देखेंगे कि नियर बाय द चार्जेस द डेंसिटी इज greater, so the field will be greater. As you move away from the charge, the field strength will decrease. Clear है कि नहीं? बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद एक चीज और है. The electric field doesn't form the closed loop. आप देखें इस structure. Closed loop का मतलब क्या है? ऐसे गया और ऐसे उसी point पर पहुंच गया. तो आप देखें कि चाहे single charge जब हमने लिया था और ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या नहीं बना रहा? क्लोज लूप. इट इज नॉट लाइक दिस. देखो, यहाँ से ये डायरेक्शन था, यहाँ पर ये डायरेक्शन अगर होता तो हम कहते कि क्लोज लूप बना रहा, बट इट इज नॉट द क्लोज लूप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज. Now see, the next topic is electric dipole. What is electric dipole? When two charges which are equal in magnitude but opposite in nature, when they are kept at a small distance from each other, then the system formed is known as what? इलेक्ट्रिक डाइपोल. मीन्स इस सिस्टम में क्या होता है? वी हैव टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. दीज टू चार्जेस व्हिच आर केप्ट फ्रॉम ईच अदर
एट अ स्मॉल डिस्टेंस. वी रिप्रेजेंटेड बाय वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बाय 2a हियर. ऑल राइट, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस. ऑल राइट, सो दिस विल बी प्लस क्यू एंड दिस विल बी माइनस क्यू एंड दिस इज 2a. देन सच अ सिस्टम इज नोन एज व्हाट? द इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल? मीन्स यू माइट हैव सीन दिस थिंग, NaCl. इन NaCl क्रिस्टल द आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. ऑल राइट, रखे होते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, दे आर मीन्स एक स्ट्रक्चर होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. ऑल राइट, आयनिक स्ट्रक्चर. ऑल राइट, तो इस तरह की स्ट्रक्चर में रखे होते हैं. तो देखें यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल. ऑल राइट, सिमिलरली HCl, इन HCl H प्लस एंड Cl माइनस, अगेन देर इज अ डाइपोल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाइपोल. क्लियर और नॉट? नाउ ए डाइपोल ऑलवेज पजेस ए डाइपोल मोमेंट. ऑल राइट, डाइपोल मोमेंट, एंड दैट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय स्मॉल पी. एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है? द चार्ज ऑफ द डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज क्यू इन टू टू ए. नाउ रिमेंबर ऑलवेज, देर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डाइपोल टॉपिक, दैट इन द डाइपोल इफ समवन आस्क्स you what is the total charge of the dipole, then the total charge of the dipole will be 3. jo dipole ka total charge hai wo kitna hoga? But the charge of the dipole is q. baat samajh mein aayi ki nahi aayi? Total charge of the dipole will be 0, but the charge of the dipole is q. All right, it won't be 0. So this is what, this is the dipole moment. We were talking about dipole moment of the electric dipole. इसको लिखते हैं हम P से, रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसका वैल्यू क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ इसका जो यूनिट हुआ, SI यूनिट, वो कितना हुआ? कूलम इनटू मीटर. कूलम इनटू मीटर, दिस इज द वैल्यू. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है. तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्लियर चिल्ड्रन? एनी डाउट? टू ए वी आर टेकिंग जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, बिकॉज इन द डेरिवेशन फर्दर नो वी हैव टू डिवाइड इट इन टू इक्वल डिस्टेंसेस. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग a बाय टू वी आर जस्ट टेकिंग we will divide it into a and a. it is our convenience only. Okay, we can change it, it can be d also. All right, it doesn't matter, distance will be the distance. Clear children? Any doubt? I hope it is clear. You will be getting the notes of this chapter. All right, so you will be getting soon the notes of this chapter. And the next topic hai the electric field due to a dipole, and the remaining topics we will discuss in the next class. All right, so till then, thank you and have a nice day.